I want everyone to be a part of that particular session. Everyone please comment कर दीजिएगा yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. We are excited. So without further ado चलिए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर. India will have its first Lieutenant General level talks with which of the following countries? भारत अपने प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता निम्न में से किस देश के साथ करेगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ चाइना. चाइनीज़ रीजन में कल ये टॉक्स आपकी शुरू हुई हैं और देयर इज़ नो इश्यूज़ नाउ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ऐसा दोनों देशों ने यहाँ पर दोस्तों कहा है. मेरा सवाल अब आपसे बनेगा, प्लीज़ टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ टेबल्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. निम्न में से किस देश ने एक नया संविधान बनाया है? तो उसका आंसर है आपका नेपाल. मेरा एक और सवाल बनेगा, उन्होंने कहा है कि जो काला पानी है वो नेपाल का पार्ट है. मेरा सवाल आपसे है कि भारत में काला पानी कौन से स्टेट का पार्ट है? तो भारत में जो काला पानी है, इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट सवाल आपसे बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज़ डन एन एग्रीमेंट ऑन एनवायरनमेंट. इनमें से भारत ने पर्यावरण के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर किसके साथ एग्रीमेंट किया है? उसका आंसर है आपका भूटान. एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, बहुत बढ़िया आंसर है, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. यस, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. द म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट और MLSA हैज़ बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. भारत और निम्न में से किस देश के बीच म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट, जिसका मेन मकसद होता है कि दोनों ही देश अपने सपोर्ट बेसिस को यूज़ करेंगे, मिलिट्री बेसिस को यूज़ कर सकते हैं. एंड द आंसर इज, इट इज़ ऑप्शन ई, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया. माई क्वेश्चन टू एवरी वन इज़, येस्टरडे गाइस द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हैपेंड. माई क्वेश्चन इज़, विच टू कंट्रीज़ वर द होस्ट कंट्रीज़. उनके नाम बताइए फटाफट. एक का नाम बता देता हूँ, एक का नाम है आपका कोलंबिया, दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम आपका जो है दैट इज़ जर्मनी. एब्सोल्युटली करेक्ट, क्या बात है. एंड प्लीज़ टेल मी द लास्ट पार्ट गाइज, रिसेंटली एक ऑयल स्पिल हुआ है एक सर्बियन वाटर सी में, वो कौन से देश के पास हुआ है? तो उसका आंसर आपका जो है दोस्तों दैट इज़ रशिया. रशिया के पास आपका ये हुआ है. माय क्वेश्चन टू एवरी वन इज़ गाइज, द जॉर्ज फ्लॉयड किलिंग इज़ इन न्यूज़. और ये जॉर्ज फ्लॉयड किलिंग जो है ये किस पर्टिकुलर कंट्री की है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इट इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एब्सोल्युटली करेक्ट. एक और सवाल चलो पूछ लेता हूँ मैं आपसे. USA's NASA हैज़ टाइड अप विथ विच एजेंसी फॉर सेंडिंग मैन टू मून एंड अदर प्लैनेट्स. कौन सा वो आपका कंट्री है? येस, इट इज़ साउथ अफ्रीका. सांसा उसका नाम है, जिसका फुल फॉर्म है, अगर नहीं पता है, साउथ अफ्रीका नेशनल स्पेस एजेंसी, वो उसका यहाँ पर फुल फॉर्म है. और आखिरी सवाल एक और पूछूंगा, बुंडसलीगा इज़ अ इवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट स्पोर्टिंग इवेंट टू टेक प्लेस इन कोविड-19. इसका आंसर है आपका जर्मनी. एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस. एक और सवाल पूछूं आपसे, चलो पूछ लेता हूँ. हाल ही में जर्मनी ने किसकी फंडिंग को रोका है? विच कंट्रीज़ फंडिंग हैज़ बीन स्टॉप्ड बाय जर्मनी रिसेंटली. एंड इसका आंसर जो है दैट इज़ हमारा पड़ोसी, हमारा पुराना दोस्त और हमारा पगलाया दोस्त, दैट इज़ नेपाल. एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, मज़ा आ गया, अच्छी बात है. Tulip Portal is an internship portal launched by the MOHUA and which of the following agencies. ट्यूलिप पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ HUA और निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया एक इंटर्नशिप पोर्टल है? इसका नाम है आपका ऑप्शन ई, दैट इज़ द AICTE. माय क्वेश्चन, ओके ऋषि कुमारी जी रेगुलर रहो, 8 AM पर आ जाओ बिना नोटिफिकेशन के, ठीक है. अब मेरे को ज़रा फटाफट बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है. इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स. इसके मिनिस्टर कौन है? एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ श्री हरदीप सिंह पुरी साहब, ये इसके मिनिस्टर बनाए गए हैं. दैट इज़ एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर गाइस. आगे बढ़ते हैं. हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द WTO एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया. इनमें से दोस्तों हाल ही में किसे बनाया गया है WTO के लिए, WTO में भारत का दोस्तों एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव और एम्बेसडर. आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इसका आंसर है श्री भजेंद्र नवनीत. ये पहले PMO में थे और अब दोस्तों इनको बनाया गया है. ही इज़ वन ऑफ द मेंबर्स गाइस ऑफ दी of the advisor to the WTO. My question is, why is Rajiv Topno साहब जो हैं वो हमारे न्यूज़ में क्यों हैं? ज़रा फटाफट बताइएगा, why is he in news? ये भी आपके प्राइवेट सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के, बट माई क्वेश्चन इज़ ये आपके न्यूज़ में क्यों हैं? ये मेरा आपसे यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा सवाल है. तो इसका आंसर क्या होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट. बहुत बढ़िया. ही इज़ द एडवाइज़र टू दी, एब्सोल्युटली करेक्ट. ये एडवाइज़र है आपका टू दी, यस, टू दी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. बिल्कुल सही जवाब है आपका. दैट इज़ एब्सोल्युटली दी करेक्ट आंसर गाइज. बिल्कुल ही आपका ये सही जवाब है. अगर हम बाकी ऑप्शन, हाँ बेसिकली ये आपके जो, हाँ, मगर अगर हम बाकी ऑप्शन की यहाँ पर बात करें तो आपके रवि कोटा साहब हैं जो कि हैं आपके इकोनॉमिक मिनिस्टर एट दी एम्बेसी इन वाशिंगटन DC. ऑलराइट. अशोक कुमार जी की बात करें तो ये एडवाइज़र हैं ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन ब्रसेल्स. ऑलराइट. और अगर ए के शर्मा की बात करें तो ही इज़ अ सेक्रेटरी ऑफ MSME. इस वजह से आपके ये न्यूज़ में बने हुए हैं. ऑलराइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. India has vowed how many million dollars to the Global Alliance for Vaccines and Immunization. GAVI, जिसका फुल फॉर्म है Global Alliance for Vaccines and Immunization, इसके लिए भारत ने कितने पैसे देने की बात कही है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन B, that is $15 million. My question to everyone is, प्लीज़ ज़रा फटाफट मेरे को बताओ कि इस पर्टिकुलर अलायंस को होस्ट किसने किया है? एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ यूनाइटेड किंगडम. Who is the current Prime Minister guys of UK? Absolutely well done Ramesh. Boris Johnson इसके आपके चेयरमैन हैं और 2000 में आपका ये सेटअप किया गया है. Absolutely correct. Aditi Ashok has been nominated for an Arjuna Award. She is related to which of the following sport? Aditi Ashok को अर्जुना पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है. सवाल है इनमें से किस खेल से उनका संबंध है? इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन E, दैट इज़ गोल्फ. बहुत ही सिंपल सवाल है मेरा आपसे. प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ क्रिकेटर्स हु हैव बीन नॉमिनेटेड. मैं आपको नाम बता देता हूँ क्रिकेटर्स के. रोहित शर्मा नॉमिनेटेड फॉर राजीव गांधी, शिखर धवन, ईशांत शर्मा एंड दीप्ति शर्मा नॉमिनेटेड फॉर दी अर्जुना अवार्ड. अब सवाल मेरा आपसे है फेंसिंग के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है? तो उसका आंसर होगा भवानी देवी या भवारी देवी को नॉमिनेट किया गया है फॉर फेंसिंग. सिमिलरली एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर राजीव गांधी नंबर वन. देन वी हैव अर्पिंदर, वी हैव ड्यूटी चांद, वी हैव पीयू चित्रा, दे हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द अर्जुना अवार्ड. एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस. अब मेरा सवाल आपसे है, रिसेंटली बलबीर सिंह सीनियर पास्ट अवे. बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक सवाल है. इससे मैं ये चेक कर पाऊंगा कितने लोग को मेरा रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं. तो बलबीर सिंह जूनियर कौन से स्पोर्ट से हैं? तो उसका आंसर है आपका हॉकी. माय क्वेश्चन टू एवरीवन एल्स इज, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड ही विन इन हिज लाइफ टाइम? ओलंपिक कितने गोल्ड जीते हैं बलबीर सिंह सीनियर ने? आंसर होगा आपका 3 गोल्ड मेडल्स को उन्होंने जीता है. Danny Dubov has won the Lindoris Abbey Rapid Chess Challenge. He hails from which of the following country? ना Manuel Cancer, ना Nakamuro. जीता है इस बार डैनियल डेबोव ने लिंडोरस एबे रैपिड चेस चैम्पियनशिप. सवाल है इनका देश कौन सा है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन C. ये रशिया से आपके दोस्तों बिलोंग करते हैं. बिल्कुल सही. मेरा सवाल एक और बनेगा आपसे. द वर्ल्ड नंबर वन, द वर्ल्ड चैम्पियन मैनुअल कार्लसन, वो मैग्नस कार्लसन, वो किस देश से बिलोंग करते हैं? उनका देश का नाम है आपका दोस्तों नॉर्वे. वो नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना है. एक और सवाल बनेगा, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ वन द ऑनलाइन चेस नेशंस कप? इनमें से किस देश ने हाल ही में जो ऑनलाइन चेस नेशंस कप है उसको जीता है? तो इसका आंसर आपका दोस्तों जो है दैट इज़ आपका चाइना. एक और सवाल बनेगा आपसे, दी 2022 वर्ल्ड स्विमिंग चैम्पियनशिप और वर्ल्ड एक्वाटिक्स चैम्पियनशिप हैज़ बीन शिफ्टेड टू 2022. द क्वेश्चन इज़, ये चैम्पियनशिप कहाँ पर हो रही है? इसका आंसर है आपका जापान. जापान में कहाँ पर? जापान में जगह का नाम है आपका फुकुओका. वहाँ पर ये चैम्पियनशिप आपके दोस्तों हो रही हैं. आइए ज़रा एक बार आप रशिया के बारे में बात कर लेते हैं. आपसे कर लेता हूँ रशिया के ऊपर क्विज़. पहला सवाल मेरा आपसे है, प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट फॉर आर्कटिक ओशन लॉन्च्ड बाय रशिया? आंसर है आपका आर्कटिका M. एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस. प्लीज़ टेल मी विच ट्रीटी साइन बिटवीन रशिया एंड USA हैज़ बीन रिमूव्ड बाय USA? उस ट्रीटी का नाम क्या है? OST, ओपन स्काई ट्रीटी. एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस. और लास्ट सवाल पूछूंगा मैं आपसे, बहुत ही सिंपल सवाल मैं आपसे पूछूंगा. please tell me what is the name, which leader has been given the victory medal by the Russian President Vladimir Putin? उनका नाम है दोस्तों श्री 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 जीरो किम जोंग उन। यस, आगे बढ़ते हैं। Which of the following banks has launched an app for opening a current account? निम्नलिखित में से किस बैंक ने चालू खाता खोलने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ई, दैट इज़ द इंडस इंड बैंक। इसको लॉन्च किया है इनके बैंक ने। अब मेरा सवाल आपसे है, दो सवाल मेरा है। पहला, प्लीज़ टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ इंडस इंड बैंक, सॉरी द टैगलाइन ऑफ इंडस इंड बैंक। एंड सेकेंड, हु इज़ द MD CEO? MD CEO हैं आपके श्री सुमंत कटपालिया, नंबर वन सुमंत कटपालिया। And yes, and we make you feel rich, we make you feel rich, इंडस इंड बैंक का आपका टैगलाइन है। मेरा सवाल आपसे है, एक्सिस बैंक ने हाल ही में उसने किस कंपनी में 29% स्टेक एक्वायर किए हैं? तो इसका आंसर होगा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर बात करते हैं ICICI बैंक की। प्लीज़ टेल मी ICICI बैंक ने किन दो कंपनी के साथ टाई अप किया है फॉर वॉइस बैंकिंग? वॉइस बैंकिंग के लिए ICICI बैंक ने किन के साथ टाई अप किया है? इसका आंसर है आपका, एक तो है गूगल और दूसरा आपका जो है दैट इज़ आपका अमेज़ॉन या अमेज़न। माई क्वेश्चन टू एवरी वन इज़, आउट ऑफ द रिमेनिंग ऑप्शंस किसने एक गोल्ड बिजनेस वर्टिकल लॉन्च किया है जो गोल्ड बिजनेस लोन्स को प्रोवाइड करेगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका दोस्तों कैनरा बैंक। एक और सवाल मेरा आपसे बनेगा, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ मर्ज्ड विद इन कैनरा बैंक? कौन सा वो पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कैनरा बैंक में आपका मर्ज हुआ है? इसको लिख लीजिएगा। अच्छा, एक बार सवाल आता है कि सर आप MCQ क्यों कराते हो ज़्यादा? भाई मैं दोनों कराता हूँ। आई डिस्कस द MCQs अलॉन्ग विद 20 हेडलाइंस। तो ये कंपैक्ट शो है करंट अफेयर्स का। अगर मैं करा रहा हूँ तो आपके भले के लिए कर रहा हूँ, आपको कुछ ना करना पड़े, यू हैव टू डू नथिंग, इसलिए मैं करा रहा हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड, गिव मी अ थम्स अप अगर आपको समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक हैज़ टाइड अप विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉन्च अ डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन? निम्न में से किस बैंक के साथ, किस संगठन के साथ मिलकर एक्सिस बैंक ने शुरू किया है एक समझौता? इसका आंसर है ऑप्शन ई, दैट इज़ A and C, वीज़ा एंड वर्ल्ड लाइन के साथ मिलकर ये टाई अप यहाँ पर किया गया है। वॉट शैल बी द थीम ऑफ द 51st सेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट इन जनवरी 2021? इनमें से क्या विषय है विश्व आर्थिक महाशिखर सम्मेलन का, उसके 51वें सत्र का? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ द ग्रेट रीसेट। ये इसका विषय है, जनवरी में आपका होगा और ऑप्शन दिया जाएगा कंट्रीज़ को टू पार्टिसिपेट वर्चुअली और फिजिकली। एब्सोल्युटली। Which of the following is the first Indian state to declare internet as a fundamental right? इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ केरला। माई क्वेश्चन टू एवरी वन एल्स इज, गाइज प्लीज टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ the GI tag तेलिया रुमाल? The answer is Telangana. Which of the following state observed its statehood day on 16th of May? Absolutely correct. It is Sikkim. Which of the following state has launched Charan Paduka scheme? फटाफट चरण पादुका स्कीम किसने लॉन्च की है? बिल्कुल सही, इट इज़ मध्य प्रदेश। एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइज, विद SIDBI, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ स्टार्टेड अ स्टार्टअप स्कीम? एक स्टार्टअप स्कीम को SIDBI के साथ इनमें से किसने स्टार्ट किया है? तो उसका जो आंसर है, उसका आंसर आपके सामने दोस्तों जो है दैट इज़ आपका उत्तर प्रदेश, माय प्रदेश, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ प्रपोज द आइडिया ऑफ D10 डेमोक्रेसीज, जहाँ पर इंस्टेड ऑफ G7 और इंस्टेड ऑफ 5 दे शुड बी D10 डेमोक्रेसीज? तो इसका आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ UK। पीपल ऑन द ऐप कीप ऑन शेयरिंग, पीपल ऑन द YouTube channel keep on sharing, we have to cross 1000 live viewers by the end of this month। आपके सपोर्ट के बिना हम नहीं कर सकते, UK ने इसको सेटअप किया है। अच्छा, एक सवाल, हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका। मेरा एक और सवाल यहाँ पर बनेगा आपसे गाइज, बहुत ही सिंपल सवाल हाँ बनेगा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइज which is a part of the BRICS, which two countries are a part of the BRICS grouping? इनमें से कौन से देश आपके BRICS के पार्ट हैं? इसका आंसर है आपका साउथ अफ्रीका और चाइना। D10 होता है डेमोक्रेसी 10 गाइस। नो सत्या, G11 अलग है। G11 प्रपोज किया है सत्या US ने, D10 प्रपोज किया है आपका UK ने। ऑल राइट, प्लीज़ अंडरस्टैंड, G11 हैज़ बीन प्रपोज बाय द USA एंड D10 हैज़ बीन प्रपोज बाय UK। ऑल राइट, क्लियर है, हाँ तो ये याद रखिएगा। G11 will be an elongation of G7 जहाँ पर रशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया को ऐड किया जाएगा. ऑलराइट, इनको ऐड किया जाएगा इन G11. ऑलराइट, और D10 की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका ऐसा नहीं है. ऑलराइट, इज इट क्लियर? ओके, यस. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द, ये तो ऑलरेडी हो चुका है. हाँ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेयर एस्टेरॉइड व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉमर्स एट द एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट डर्ट सिस्टम. जो आपका एटलस का जो एटलस सिस्टम है, उन्होंने इनमें से किस एक बहुत ही रेयर, एक बहुत ही दुर्लभ क्षुद्र ग्रह को दोस्तों खोजा है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ 2019 LD2. इसको दोस्तों हाल ही में आपका खोजा गया है. आगे बढ़ते हैं. When is the International Average Day celebrated? इनमें से कौन सा किस दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय एवरेज डे जो है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है दैट इज़ ऑन May 29 को दोस्तों हम सेलिब्रेट करते हैं दी इम्पोर्टेंट एवरेज डे, दी इंटरनेशनल एवरेज डे, जो कि हम इस दिन दोस्तों आपका जो है वो मनाते हैं. अगर हम यहाँ पर बात करें और फेवरी की या और जो कि हम ऑप्शन आपको दिखा भी रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले Feb 11 की, तो गाइज़ Feb 11 को आपका होता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस. इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस. कल एक अपडेट आया था कि मेरी राइटिंग बहुत बेकार है, सो क्या आपको मेरा लिखा हुआ दिख रहा है? प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा येस सर, येस सर, येस सर, या नो सर, नो सर, नो सर. बिकॉज कल एक स्टूडेंट ने लिखा था सर आप बहुत ही घटिया लिखते हो. सो आई एम रियली सॉरी, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा लिखने का. May 4 की बात करें तो May 4 को दोस्तों आपका जो होता है दैट इज़ द कोल माइनर्स डे. दो दिन होते हैं. आई होप नाउ यू आर एबल टू. कोल माइनर्स डे और इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, ये दो दिन आपके होते हैं ऑन May 4. जुलाई 18 की बात करें, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डे गाइस. जुलाई 18 जो है इस दिन आपका होता है दी नेल्सन मंडेला डे. कौन सा डे? दी नेल्सन मंडेला डे. एंड देन वी हैव September 14. September 14 की बात करें, September 14 को आपका होता है दी हिंदी दिवस. विश्व हिंदी दिवस को हम मनाते हैं September 14. क्लियर हो गया सबको? हैज़ एवरीवन अंडरस्टूड? क्या बात है? ओके. चलो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर. विच इज़ द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस? इनमें से वो प्राइवेट कंपनी कौन सी है जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाली पहली कंपनी बनी है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ SpaceX. एक और सवाल आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड अ डॉक्यूमेंट्री और अ शॉर्ट फिल्म ऑन स्वच्छ भारत? तो उसका आंसर है आपका नेशनल ज्योग्राफिक. गाइस कीप ऑन शेयरिंग, वी हैव टू क्रॉस 500 पहले और फिर हमें आज 1000 तक पहुंचना है, तो फटाफट कीप ऑन शेयरिंग. ऑलराइट, हाँ अब आते हैं हमारे आज के लेवल अप विद ग्रेड अप पर. लेवल अप विद ग्रेड अप की आइए बात कर लेते हैं एंड लेट्स डिस्कस द लेवल अप विद ग्रेड अप. एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस. यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज टू अबाउट. हाँ वैशाली, एक गलती मेरे से हुई, मैं डिस्कस करूँगा एंड में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज टू अबाउट इनिशिएटिव्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का? 5 सिटीज़ हैव बीन रेटेड 5 स्टार, 65 3 स्टार, 70 1 स्टार. पुणे मोबाइल ऐप उमंग ट्रैक्स होम क्वारंटाइन सिटीजन्स. Ease of Living Index and Municipal Performance Index 2019 has been launched. The answer is आपका only 3. यहाँ पर आपका होगा 6 सिटीज़ हैं, स्टार सिटीज़ में है, 5 स्टार में, और उमंग की जगह क्या होगा? संयम आपका होगा. बिल्कुल सही. आगे बढ़ें. Which of the following statements is true about इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट? इनमें से कौन सा कथन आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट के बारे में दोस्तों सही है? इंडिया साइंड 9 agreements विद ऑस्ट्रेलिया, नंबर 1. नंबर 2, द अग्रीमेंट्स इंक्लूडेड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अग्रीमेंट. और 3rd, इंडिया ऑलरेडी हैज़ 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग मैकेनिज्म विद USA एंड UK. इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी 1 और 2. यहाँ पर यूएसए और जापान के साथ इंडिया का है, ना कि यूके के साथ, और बाकी दोनों सही हैं. ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड? यस, तो 1 और 2 ओनली यहाँ पर आपका सही जवाब है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट? इनमें से कौन सा कथन आपका जो भारत और जो आपका जो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट हुआ था जिसमें इंडिया ने प्रोवाइड किए हैं पैसे, वो सही है। पहला, द समिट वॉज होस्टेड बाय यूके। सेकंड, इंडिया प्लेस्ड $15 मिलियन फॉर गावी। एंड थर्ड, इंडिया इज ऑल्सो मैंशनड कि वो 120 कंट्रीज़ को अपने मेडिसिन का भी स्टॉक प्रोवाइड करेगा। इसका आंसर है सब सही है, 1, 2 एंड 3 सारे के सारे आपके सही हैं, बिल्कुल सही हैं, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इनमें से कौन से आपके जो कथन हैं वो बिल्कुल सही हैं? पहला कथन है द डे वॉज हैज़ बीन सेलिब्रेटेड सिंस 1974, नंबर वन। Number 2, the theme of the World Environment Day is celebrating biodiversity. Number 3, कोलंबिया और फ्रांस ने इसको होस्ट किया है। सौरभ पाल जी और अनिल जांगरा जी, मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ, देखो इतना बड़ा कंटेंट बनाने में कभी कभी टाइम नहीं मिलता है हिंदी करने में, तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो गाइज। आपको कंटेंट चाहिए या आपको सिर्फ हिंदी चाहिए, आप डिसाइड कर लो। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ई, दैट इज़ 1 एंड 2। 1974 में बना था, बिल्कुल सही। और सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी आपका आंसर है। यहाँ पर जर्मनी और फ्रांस है, ना कि जर्मनी और कोलंबिया है, ना कि आपका फ्रांस एंड कोलंबिया है। दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स प्रोसीड। ओके, अब आते हैं हमारे आज के द हिंदू एनालिसिस पर। एक बार ज़रा सब लोग कमेंट कर दीजिएगा येस सर, 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 सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर एनालिसिस। चलिए आते हैं हमारे पहले हेडलाइन पर, जो कि ये रहा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, द फॉर्मर स्पीकर, द फॉर्मर लीडर ऑफ द कांग्रेस लोकसभा, ही हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर फ्रॉम द राज्यसभा सीट फ्रॉम कर्नाटका। इंडिया इज ट्राइंग टू विन द permanent seat at the UN Security Council. More than 28% of Sundarbans has been damaged by Cyclone Amphan. तो जो Sundarbans reserve है हमारा, उसमें 28% से ज़्यादा reserve वो आपका damage हो चुका है। एंड तालिबान मूवमेंट चेंज हुआ है और रशिया ने ऐसा यहाँ पर कहा है। सिमिलरली सबसे बड़ी खबर, द बिगेस्ट हेडलाइन गाइज इज दैट इंडिया चाइना होल्ड टॉक्स एंड दे अग्री टू रिजॉल्व डिफरेंसेस पीसफुली। उन्होंने अपने डिफरेंसेस को पीसफुली रिजॉल्व करने की यहाँ पर बात कही है। समझ में आ गया? लेट्स नाउ प्रोसीड टू द फर्स्ट हेडलाइन, जो कि ये रहा आपके सामने। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जो उसका स्टेट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ changed the name of its state environment department। जो उसका state environment department है उसका name यहाँ पर change किया है, और उसका जो नाम रखा गया है that is the Department on Environment and Climate Change। I want everyone to comment, फटाफट comment कीजिएगा comment section में, इस department का नाम क्या है? इसका नाम है Department of Environment and Climate Change। Number 1, ये आपका based है time for nature पर, और जो पृथ्वी के नेचर के 5 एलिमेंट्स हैं, नेचर के, प्रकृति के, अर्थ विंड वाटर फायर ईथर पर आपका ये बेस्ड है। अगेन रिपीट गाइस, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रीनेम किया है अपने डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट को, उसका नाम ऑलरेडी मैंने बता दिया है, और ये जो हमारे नेचर के 5 एलिमेंट्स हैं उन पर आपका ये बेस किया गया है। एलिमेंट्स क्या है? आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट डाउन, फटाफट लिखिएगा। जो लोग देख रहे हैं मेरे को बैंकिंग ऐप पे, फटाफट शेयर करते रहो। अर्थ विंड वाटर फायर ईथन, कैप्टन प्लानिट, याद आया आपको? वैसे याद करिएगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। द गावी, जो कि हम कल बात कर रहे थे आपसे कि इंडिया ने कितना प्रोवाइड किया, फटाफट कमेंट कीजिएगा, $15 मिलियन। नाउ इंडिया, ईथर मीन्स स्पेस एंड ह्यूमन, सॉरी ईथर मीन्स ह्यूमन नेचर हियर, यहाँ पर ईथर का मतलब है ह्यूमन नेचर, अगर हम बात करें इस डिपार्टमेंट की। सो गाइज, वो जो गावी था ना, गावी हैज़ बीन नाउ गिवन $8.8 बिलियन ऑफ फंडिंग। उसको जो फंडिंग मिली है दैट इज़ नाउ एट $8.8 बिलियन, और ये फंडिंग में हाईएस्ट फंडिंग की है बिल गेट्स ने, दैट इज़ $1.6 बिलियन। और इस फंडिंग से दे विल ट्राई टू मेक पोटेंशियल कोविड-19 वैक्सीन्स प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और डेवलपिंग नेशंस में इसको वो प्रोवाइड यहाँ पर करेंगे। इसका होस्ट नेशन था आपका यूनाइटेड किंगडम। सो अगेन रिपीट गाइज, द गावी Summit, the Global Vaccine Summit has raised $8.8 बिलियन। इंडिया ने कितने किए हैं? इंडिया ने $15 मिलियन यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं गाइस। सिंगापुर हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ वेरिएबल ट्रेसिंग डिवाइस, जैसे कि मेरे पास ये डिवाइस है आपके सामने स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा है। ये डिवाइस बताता है कितना मैं चलाऊं, तो अभी मैं चलाऊं ओनली 432 स्टेप्स। वैसे ही सिंगापुर विल लॉन्च अ डिवाइस that will be like a watch or that will be like a wearable, जिसको पहन के जहाँ पर भी आप जाते हो आप ट्रेस कर पाओगे कि यहाँ पर कितना खतरा है, what is the danger in that particular area. उसको सिंगापुर ने दोस्तों यहाँ पर लॉन्च किया है. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सिंगापुर will identify people who have interacted with carriers of coronavirus through this particular device. इस डिवाइस से हम उसकी ट्रेसिंग यहाँ पर कर सकते हैं. My question to everyone is, Singapore is the #1 nation in terms of FDI to India. भारत में जो सबसे ज़्यादा FDI किसने दी है? It has been given by Singapore. My question to everyone is, please tell me कितनी आपकी वो फंडिंग है, कितना पैसा वो है. ठीक है, नहीं बिल्कुल तुषार जी, ये अच्छा वाला महंगा वाला ये आपका है वीरबल डिवाइस, ये हाथ वहाँ चलता नहीं है. ठीक है सर तुषार जी, थोड़ा सा नेगेटिव मत हो, पॉजिटिव हो जाओ. कितना है उनका इन्वेस्टमेंट? एनीवन एनी आइडिया? फटाफट कमेंट कीजिएगा. 14 बिलियन तो है, एग्जैक्ट बताओ मेरे को, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट अमाउंट? एग्जैक्ट है आपका 14.67 बिलियन यूएस डॉलर्स. एब्सोल्युटली करेक्ट, 14.67 बिलियन यूएस डॉलर्स, दैट इज़ द एग्जैक्ट अमाउंट. सिल्वर लेक जो कंपनी है, जिसने इससे पहले भी इन्वेस्ट किया था रिलायंस में, उसने फिर से इन्वेस्ट किया है. उसने फिर से दोस्तों इन्वेस्ट किया है एंड इट हैज़ इन्वेस्टेड एडिशनल 4,550 करोड़ और 4,546.80 करोड़ ये उसने एडिशनल किया है. इससे पहले ऑलरेडी उसने 5,655.75 करोड़ किए थे. अब उसका जो नया इक्विटी स्टेक है, जो उसका नया ओनरशिप है, नया शेयर होल्डिंग है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में, दैट इज़ 2.08%. इसके अलावा अबू धाबी कंपनी मुडाबला, नॉट मुकाबला बट मुडाबला, मुडाबला ने भी इन्वेस्ट किए हैं 9,093.63 करोड़ और इसके साथ उसने 1.85% स्टेक एक्वायर किया है इस कंपनी के अंदर. इससे पहले ऑलरेडी फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, KKR ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं और ये आपका जो मुडाबला है इट इज़ द लेटेस्ट टू इन्वेस्ट इन जियो प्लेटफॉर्म्स. याद रहेगा सबको? सबको प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, येस सर, येस सर, येस सर, येस सर, येस सर. हमें याद रहेगा. नाम क्या है इसका? सिल्वर लेक ने किया है एडिशनल और मुडाबला ने भी अपनी फंडिंग यहाँ पर की है. ओके, माई क्वेश्चन इज़, प्लीज़ टेल मी हु इज़ किरण मजूमदार शॉ? किरण मजूमदार शॉ जो हैं वो हैं कौन? गाइस, किरण मजूमदार शॉ जो हैं, शी इज़ द Executive Chairperson or and co-founder and founder of Biocon. Biocon is a biotech company जो कि बेंगलुरु में based है और उनकी ये Executive Chairperson है. उनको दिया गया है the Ernst and Young EY World Entrepreneur of the Year for the current year guys. और इसके अलावा उनको 2-3 महीना पहले she was also one of the top 20 people in terms of biopharmaceuticals. She was one of the world's top 20 inspirational leaders in terms of biopharma. तो इनको कई अवार्ड मिलते रहते हैं. इनका जो लेटेस्ट अवार्ड है दैट इज़ द शी इज़ द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर. याद रहेगा आप सबको? ऑल राइट, यस. RBI ने एक नया काम किया है. RBI ने डिजिटल पेमेंट इंफ्रा को या पेमेंट इंफ्रा को बूस्ट करने के लिए, जो एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा करने के लिए, उसने एक 500 करोड़ का फंड बनाया है और इस फंड का नाम है दी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. आई वांट एवरीवन टू राइट डाउन, प्लीज़ आप सब लोग कमेंट कीजिएगा कि इस फंड का फुल फॉर्म क्या है. इस फंड का फुल फॉर्म है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. इस फंड का मेन मकसद है टू डिप्लॉय द पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल और डिजिटल मोड्स में, मतलब ऑनलाइन पेमेंट में आपको हेल्प करे और साथ ही में होते हैं डिवाइस, होते हैं आपके POS डिवाइस जिसमें आप स्वाइप करते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके लिए. तो दोनों ही लेवल्स पर आपको ये प्रोवाइड करेगा सपोर्ट और स्पेशली Tier 3 और Tier 6 सेंटर्स जो छोटे शहर हैं वहाँ पर इनको किया जाएगा. इसमें 500 करोड़ में से 250 करोड़ विल बी गिवन बाय द RBI. द रिमेनिंग अमाउंट विल बी गिवन बाय द कार्ड कंपनीज एंड बाय द बैंक्स. बाकी पैसा आपके कार्ड कंपनीज और बैंक प्रोवाइड करेंगे और इसको रेगुलेट करेगा RBI और एडवाइजरी काउंसिल जो है वो इसको गवर्न करेगा. याद रहेगा आप सबको? तो यहाँ पर याद रखिएगा, नाम है इस फंड का PIDF. इसका फुल फॉर्म है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. इट इज़ फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस टू फिजिकल एंड डिजिटल मोड्स इन Tier 3, Tier 6, जो Tier 3 के और Tier 6 के शहर हैं, जैसे कि आपका दरभंगा, सिवान, ये जो शहर हैं वहाँ पर आपका ही जाएगा, या फिर राउरकेला, नहीं राउरकेला तो फिर भी एडवांस है, जैसे कि आपका चिदम्बरम, दी सिटीज़ में आपका जाएगा एंड इसके लिए फ़ंड आपका बनाया गया है. The Asian Football Confederation AFC has awarded the 2022 Women's Asia Cup to be held in India. और इंडिया में ये 1979 के बाद पहला मौका होगा जब इंडिया में ये आपकी चैम्पियनशिप होने वाली है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, दैट द एशियन वुमेंस कप ऑफ फुटबॉल 2022 विल बी हेल्ड इन इंडिया इन 2022 और 1979 के बाद इंडिया में आपका ये होने वाला है। ऑलरेडी इंडिया अंडर 17 का जो एशिया कप है, जो फीफा का आपका वर्ल्ड कप है वो करने वाला है, जो कि इंडिया करेगा आपका, एंड उस वजह से भी आपका न्यूज़ में है। और इंडिया को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप मिली थी जिसको कि अब इंडिया से ले लिया गया है, जो कि अब सर्बिया में आपका होगा। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर इन द न्यूज़, बट लेटेस्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ द एशियन कप वुमेंस फुटबॉल चैम्पियनशिप इंडिया में आपकी 2022 में होने वाली है। याद रहेगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। अच्छा, आप में से कितने हैं इनके फ़ैन? बिकॉज आई एम हिज फैन बट आई एम अ बिगर फैन ऑफ लियोनल मेसी। ऑल राइट, मेरी एजुकेशन है बीटेक फेल। सो गाइज, Ronaldo has become the first ever active footballer to become a billionaire. ये पहले आपके एक ऐसे फुटबॉलर हैं जो अपने एक्टिव फुटबॉल करियर में he has become a billionaire and he is the third sports player after Tiger Woods and boxer Floyd Mayweather who have reached the $1 billion mark, who have become billionaires during their career. ऑलराइट, तो मैं रिपीट फिर से कर दूँ, ही इज़ द फर्स्ट एंड द ओनली फुटबॉलर जो कि अरबपति बने हैं। ही हैज़ अर्नड $105 million इन द प्रीवियस ईयर, जिस वजह से ये बने हैं सबसे पहले बिलियनियर। और इसके अलावा सिर्फ दो ही और स्पोर्ट्स में खिलाड़ी हैं, विच इज़ टाइगर वुड्स एंड फ्लॉयड मेवेदर। दीज आर द ओनली टू अदर प्लेयर्स जो कि इस लिस्ट में आपके आते हैं। फर्स्ट पे टाइगर वुड्स, सेकेंड पे फ्लॉयड मेवेदर एंड थर्ड जो हैं वो आपके हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, इंडिया की बात करते हैं। इफ़ फुटबॉल हैज़ रोनाल्डो, इंडिया हैज़ विराट कोहली। विराट कोहली पीछे कैसे रहेंगे? विराट कोहली हैज़ इमर्ज्ड एज द ओनली क्रिकेटर इन द टॉप 10 अर्निंग लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड अर्निंग एथलीट्स थ्रू स्पॉन्सर्ड इंस्टाग्राम पोस्ट। इंस्टाग्राम पोस्ट को स्पॉन्सर करने में एड्स की वजह से विराट कोहली जो हैं ही इज़ एंड इन द टॉप 10 लिस्ट, एंड इस लिस्ट को अगेन टॉप किया है आपके रोनाल्डो ने विथ 1.8 million euros इन रेवेन्यू। बाकी विराट कोहली ने अर्न किए हैं 379,274 euros फ्रॉम हिज इंस्टाग्राम पोस्ट, एंड रोनाल्डो ने अर्न किए हैं 1.8 million euros from his particular Instagram post. तो याद रखिएगा इस चीज़ को गाइज, दैट विराट कोहली इज़ द ओनली क्रिकेटर एंड ऑल्सो द ओनली एथलीट इन द टॉप 10 कैटेगरी। इफ ही इज़ रैंक ऑन द 6th पोजिशन पर इनकी रैंकिंग यहाँ पर दोस्तों दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हमारे आज के एनालिसिस में फ्रॉम द करंट अफेयर्स फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स। और ये रहा आपके सामने हमारा पहला हेडलाइन गाइज, सेंटर टू डेवलप 200 अर्बन फॉरेस्ट इन 5 years। आने वाले 5 सालों में शहरों में, सिटीज़ में फॉरेस्ट जैसे जगह बनाई जाएगी। और इसका अनाउंसमेंट की है श्री प्रकाश जावड़ेकर साहब ने, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ अर्थ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उन्होंने इसकी दोस्तों घोषणा की है कि आने वाले 5 सालों में दे विल डेवलप 200 अर्बन फॉरेस्ट। इस योजना का नाम है नगर वन, और ये योजना आने वाले 5 साल के लिए आपकी बनाई गई है। बहुत ही सिंपल है, ओकेजन था आपका द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जिसका थीम था सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। उसी दिन नगर वन स्कीम और अर्बन फॉरेस्ट स्कीम को दोस्तों लॉन्च किया गया। यहाँ पर सिंपल सवाल बनेगा दैट विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर अर्बन फॉरेस्ट। अर्बन फॉरेस्ट के लिए, शहरी जंगलों के लिए कौन सी स्कीम बनी है? उसका आंसर होगा आपका नगर वन, वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम बात करें इस मिनिस्ट्री का, बिकॉज मैंने आपसे पहले बताया था कि मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर इज़ द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है इस पे सवाल बनेगा ही बनेगा। तो आइए ज़रा देख लेते हैं। कैबिनेट ने अप्रूव किया है MOU बिटवीन इंडिया एंड भूटान फॉर एनवायरनमेंट, सबसे लेटेस्ट इस मिनिस्ट्री के अंडर की खबर है। सेकेंड, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन के लिए डिमांड किया गया है फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन और एशियन एलिफेंट के लिए। थर्ड, India is the president of the 13th Conference of Parties on convention और migratory species और इंडिया नॉर्वे ने माइक्रोप्लास्टिक्स और मरीन प्लास्टिक्स को बैन करने के लिए, उसको हटाने के लिए एक अग्रीमेंट पर साइन किया है। सो 1, 2, 3 and 4 ये 4 सबसे इम्पोर्टेंट हेडलाइंस हैं ऑफ द लास्ट 4 months अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इनको प्लीज़ एक बार आप याद रखिएगा। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हैव कम and India is the 3rd most represented nation in this rankings। भारत तीसरा सबसे बड़ा आपका represented nation है, जिसमें जापान के सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर इंडिया ने भी अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया है और इंडिया के तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं इन एशिया। स्क्रीन पे ये देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने। द रैंकिंग इज़ कॉल्ड एज द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, ये इस रैंकिंग का नाम है। नंबर 1। नंबर 2, इंडिया जो है वो 3rd मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री है। इसमें टॉप पे है आपका शिंगवा यूनिवर्सिटी चाइना का, सबसे ज़्यादा है जापान के 110 इंस्टीट्यूट्स हैं आपके इन रैंकिंग्स में, और इंडिया का जो हाईएस्ट रैंक है दैट इज़ आईआईसी बेंगलुरु विच इज़ एट दी 36 स्पॉट। अगर हम बाकियों की बात करें, आईआईटी रोपड़ 47, आईआईटी खड़गपुर 59, आईआईटी इंदौर 55, आईआईटी दिल्ली आपका 67, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रो टेक्नोलॉजीज 92 और आईआईटी बॉम्बे 69 और आईआईटी रुड़की आपका 83 नंबर पर यहाँ पर आता है। तो बहुत ही सिंपल खबर है कि अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स इंडिया 3rd पे है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स। वर्ल्ड में नंबर 1, एशिया में नंबर 1 पे है जापान विद 110, चाइना का शिंगवा इज़ एट नंबर 1 यूनिवर्सिटी, इंडिया का आईआईसी बेंगलुरु आपका 36 पे है और वो हाइस्ट रैंक इंडियन यूनिवर्सिटी आपकी यहाँ पर बनी है। गाइस, एक सर्वे आया, उस सर्वे का नाम है आपका दी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ठीक है। अब इस सर्वे के अलावा 2 सर्वेज और आए हैं, उनके नाम हैं सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। मैं रिपीट फिर से कर दूं, एक आया है आपका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का, कंज्यूमर्स को कितना कॉन्फिडेंस है इकॉनमी पे, भारत के आर्थिक विकास पे। सेकेंड आया है आपका फोरकास्टिंग के ऊपर, ठीक है, और थर्ड आया है आपका इन्फ्लेशन के ऊपर। अब इन 3 सर्वेज में से जो एक डेटा ये आया है कि इंडिया की जो इकॉनमी है दैट विल बी एट -1.5% इन द करेंट ईयर, जो करेंट ईयर चल रहा है उसमें -1.5% पे इकॉनमी रहेगी। पर अच्छी खबर ये है कि इंडिया की इकॉनमी इन द नेक्स्ट ईयर दैट इज़ इन फाइनेंशियल ईयर 22 इंडियन इकॉनमी आपकी 7.2% पर आपकी ग्रो करेगी। तो रिपीट आपके लिए फिर से कर दूं कि एज़ पर अ न्यू सर्वे दैट हैज़ बीन डन, इंडिया इकॉनमी विल बी एट -1.5% और अगले साल 7.2% पर हम ग्रो करने वाले हैं। फिर आते हैं हमारी आज की अगली खबर पे। अगली खबर दोस्तों जो है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम सेबी। सेबी का एक बोर्ड है, एक कमेटी है, उस कमेटी का नाम है कमोडिटी डेरिवेटिव्स। अगर इसको डिस्कस करना डिटेल में, सो गाइज मेरा बैच चलता है ग्रेडअप पर, आप प्लीज़ उसको ले लीजिएगा। वो बैच फोकस करता है बैंकिंग अवेयरनेस पर। यहाँ पर अभी फ़िलहाल समझो आप कि जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स कमेटी है उस कमेटी के में चेंज किया गया है। दैट कमेटी के जो नए चेयरमैन हैं उनका नाम है अशोक दलवानी। द नेम ऑफ दैट चेयरमैन गाइज इज़ अशोक दलवानी। एंड इस पर्टिकुलर कमेटी का मेन मकसद है कि जो कमोडिटीज़ होती हैं ना, व्हाट आर कमोडिटीज़ गाइज? कमोडिटीज़ आपकी होती हैं रॉ मटेरियल्स। क्या होती हैं ये? रॉ मटेरियल, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, सॉरी सिल्वर कॉपर नहीं, जो गोल्ड, सिल्वर, एग्रीकल्चर, ये सब क्या होता है आपका रॉ मटेरियल्स। तो इनकी जब हम सेलिंग करते हैं फ्यूचर के लिए आज, अलग है रिपीट, व्हेन वी सेल दीज कमोडिटीज़ एट अ करेंट प्राइस फॉर द फ्यूचर, मतलब जब इनको हम सेल करते हैं आज, इनको सेल करते हैं एक प्राइस पर फ्यूचर के लिए, उसे हम कहते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स। तो उस कमेटी के अध्यक्ष हैं अशोक दलवानी और बेसिकली ये कमेटी आपकी डिज़ाइन बनाती है कॉन्ट्रैक्ट का, नंबर 1, नंबर 2 प्रोडक्ट बनाती है आपका। और अदर मेंबर्स की बात करें तो इसमें आपका सेबी के डायरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल अमरजीत सिंह और वीएस सुंदरसन, ये भी इसके मेंबर्स हैं। सेबी की बात करें, अजय त्यागी साहब इसके अध्यक्ष हैं एंड मुंबई में आपके इसके हेडक्वार्टर्स हैं। तो रिपीट फिर से कर दूँ मैं आपको, commodity derivatives are when we sell commodities at a price decided today in future। जब हम एक आज के प्राइस डिसाइड करके फ्यूचर में रॉ मटेरियल्स को बेचें, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कमोडिटी डेरिवेटिव। तो उस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है अशोक दलवानी। आगे बढ़ते हैं गाइस। यूपी लॉन्च करने वाला है एक MOU ट्रैकिंग पोर्टल। इस पर्टिकुलर पोर्टल का एडवांटेज होगा कि जो भी इन्वेस्टर्स होंगे ना, द इन्वेस्टर्स दे विल गेट टू नो कि हाउ मच MOUs हैव बीन साइंड बाय यूपी फॉर इन्वेस्टमेंट्स को लेकर यूपी ने कितने MOU साइन किए हैं, जिससे इसका मन करेगा टू इन्वेस्ट इन यूपी। आई कैन रिपीट गाइस, यूपी हैज़ लॉन्च्ड अ MOU ट्रैकिंग पोर्टल। इस पोर्टल का मेन मकसद होगा टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स इनटू इन्वेस्टमेंट्स बाय टेलिंग देम कि यूपी ने कितने आपके इन्वेस्टमेंट्स करवाए हैं, कितने MOUs किए हैं विद अदर पार्टीज़। समझ में आया सबको? ओके, तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने। दिस पोर्टल विल गाइड इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स टू ट्रैक द MOU साइन। कितने MOU ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। बेसिकली इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ अग्रीमेंट। जब हम किसी भी अग्रीमेंट को रिटन में कर देते हैं ना, उसे हम कहते हैं MOU। तो MOU साइन हुआ है, उसको उस ट्रैकिंग पोर्टल को यूपी ने लॉन्च किया है। इसके अंदर अकॉर्डिंग टू यूपी, यूपी हैज साइंड 1045 MOUs सिंस 2018। याद रहेगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहित जी बताइए आपका क्या डाउट है, प्लीज़ पूछिए जल्दी से। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर। गाइज अगली हेडलाइन जो है दैट इज़ अ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इस सर्वे को रिलीज़ किया गया है फॉर 2018-19। मैं रिपीट फिर से कर दूं कि भारत में लेबर फोर्स कैसी है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग बेरोज़गार हैं, कितने लोग एलिजिबल हैं, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग, हाउ मेनी पीपल आर एलिजिबल, हाउ मेनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड, उसको लेकर ये सर्वे आपका आया है। ठीक है, हाँ हम रियली सॉरी, ये होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेरी सोच से मिस्टेक हो गई हो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आई एम रियली सॉरी गाइस, यस। चलिए वापस आते हैं। तो 2018-19 की बात करें तो ये सर्वे को लॉन्च किया है NSO ने। आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट डाउन NSO का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, ये इसका फुल फॉर्म है, नंबर 1। इस फुल फॉर्म में कहा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका गिरा है 5.8% तक। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, मतलब क्या, कितने परसेंटेज लोग अवेलेबल हैं लेबर फोर्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो इम्प्रूव हुआ है, दैट इज़ एट 37.5%। मैं रिपीट फिर से कर दूं, कितने लोग एलिजिबल हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो आपका इंक्रीज़ हुआ है 37.5% तक। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, हाउ मच परसेंटेज पीपल आर एम्प्लॉयड, कितने परसेंटेज पॉपुलेशन के लोग एम्प्लॉयड हैं, वो भी आपका इम्प्रूव हुआ है 35.3% पर। PLFS, जिसका फुल फॉर्म है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये भारत का पहला कंप्यूटर बेस्ड सर्वे है। इसको रिकमेंड किया था अमिताभ कुंडू साहब ने। और NSO जो है दैट इज़ द नेशनल स्टैटिस्टिकल बॉडी, ये एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल बॉडी आपकी बनाई गई है। मैं रिपीट फिर से आपके लिए कर दूं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है आपका, इसको लॉन्च किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका 5.8% पे है। नंबर 3, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो होता है, कितना परसेंटेज पर्सन अवेलेबल है लेबर फोर्स के लिए, वो इंक्रीज़ हुआ है। वर्कर पॉपुलेशन, कितने लोग काम कर रहे हैं, वो इंक्रीज़ हुआ है। और इसको लॉन्च किया, रिकमेंड किया था अमिताभ कुंडू साहब ने। सब लोग कमेंट कर दीजिएगा, येस सर, येस सर, येस सर, येस सर, येस सर, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। वेल, दिस पर्टिकुलर ऑफिस इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स, जो MOSPI है उसके अंडर आपका ये वर्क करता है। और इसके मिनिस्टर हैं आपके राव इंद्रजीत सिंह। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक रिक्वेस्ट की है। इन्होंने एक रिक्वेस्ट ये किया है कि दे शुड हैव अ सेपरेट बॉडी अदर दैन IBA। गाइस जो लोग नहीं जानते हैं, IBA का फुल फॉर्म है इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन। क्या फुल फॉर्म है? इंडियन बैंक एसोसिएशन। दिस इज़ अ बैंक्स बॉडी। ये जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी बॉडी है। इसमें अभी 4 स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके एडेड हैं, पर इनका मानना है इनको एक डिफरेंट ब्रांड बनाने के लिए, नंबर 1, डिफरेंट ब्रांड बनाने के लिए। और क्योंकि आगे चलकर मैनी मोर SFBs विल कम, और आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक आएंगे, इस वजह से ये चाहते हैं कि दे शुड हैव अ सेपरेट इंडस्ट्री बॉडी। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ओके, माफ़ करना, 4 नहीं है, 10 हैं। 10 SFB के 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑलरेडी मेम्बर्स हैं IBA के, पर ये अपनी एक सेपरेट पहचान चाहते हैं। और इनका मानना है कि सिंस RBI हैज सेड दैट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विल बी कन्वर्टेड इनटू SFBs, सो द नंबर ऑफ SFBs विल इंक्रीज, क्योंकि इनको कन्वर्ट किया जाएगा और नंबर ऑफ एसएसबी इंक्रीज हो जाएंगे। इस वजह से वो चाहते हैं कि इनके लिए एक सेपरेट बॉडी का निर्माण किया जाए। द कमिटी कंसर्न विद द लाइसेंसिंग ऑफ एसएसबी गाइस, वो कमेटी जिससे कि लाइसेंस मिलता है एसएफबीज को, उसका नाम है आपका नचिकेत मोर कमेटी। ये एक बात याद रखिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक को कहा जाता है नीश बैंक। नाउ व्हाट इज़ अ नीश बैंक गाइस? नीश मतलब होता है स्पेशल बैंक। स्पेशल क्यों है आपके? कि ये आपके डिपॉजिट भी करते हैं और ये आपके लोन भी करते हैं, पर लोन में कंडीशन है कि 25 लाख के ऊपर का लोन ये आपका जनरली नहीं करते हैं। एक और ख़ास बात है, जितने भी आपके अदर बैंक्स हैं, जितने भी आपके अदर कमर्शियल बैंक्स हैं, वो सारे बैंक आपका 40% लेंड करते हैं पीएसएल में। जो लोग नहीं जानते हैं, पीएसएल का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, उसमें 40% लेंड करते हैं। बट दी एसएफबीज हैव टू लेंड 75% इन दी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो ये एक डिफरेंस है आपका एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में और आपका एक कमर्शियल बैंक में। दीज आर दी चैलेंजेस जिससे यहाँ पर है। नहीं हर्षिता जी मैडम, स्नीश मतलब होता है स्पेशल, यूनिक। ऑल राइट ओके, आगे बढ़ें अगले हेडलाइन पर, जो कि ये रहा आपके सामने गाइस। एक लिस्ट आई है एंड दैट लिस्ट गाइस इज़ द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ लिस्ट। ऑल राइट, एंड दिस लिस्ट गाइस में द ओनली इंडियन इन द टॉप 100 इज़ अक्षय कुमार। इनकी इवैल्यूएशन है आपका 48.5 मिलियन US डॉलर्स। और इस लिस्ट में नंबर 1 रैंक पे हैं आपकी काइली जेनर। शी हैज़ अर्न 590, बाप रे बाप, 590 मिलियन US डॉलर्स इन हर ईयरली अर्निंग्स एज पर फोर्ब्स। सेकेंड पे हैं केनी वेस्ट, थर्ड पे रॉजर फेडरर, एंड फोर्थ पे आप रोनाल्डो हैं, एंड फिफ्थ पे आपके लियोनल मेसी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो रिपीट फिर से आपके लिए कर दूँ मैं कि काइली जेनर इज़ एट नंबर 1। ऑल राइट, एंड अक्षय कुमार इज़ एट द 52nd स्पॉट। ऑल राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं गाइज़। ये आपके सामने एक इमेज दी हुई है मैंने, ये इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द रीज़न वाई इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस इमेज में आप देख सकते हो कि ये वो सारे आपके स्टेक होल्डर्स हैं जो कि यहाँ पर आपके इन्वेस्ट करते हैं। फेसबुक की बात करें तो फेसबुक ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है 9.99%। इनका वैल्यूएशन है 43.574 करोड़। सिल्वर लेक ने इन्वेस्ट किया है 1.15% with 5655.75 करोड़। विस्टा पार्टनर्स 11367 करोड़, 2.32% का इनका इन्वेस्टमेंट है। जन अटलांटिक 6598.38 करोड़, 1.34 करोड़ का है। केकेआर इनका 11037 करोड़ का है, 2.32% है। और मुडाबला का 9093.6% है और करोड़ है, और इनका 1.85। ओवरऑल 87,655.35 करोड़ का इनको मिला है कैपिटल, जो कि स्टेक में है आपका 18.97% का। ऑल राइट ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। लेजिस्लेटर्स, लॉ मेकर्स फ्रॉम 8 कंट्रीज़ दे हैव कम टुगेदर। 8 देशों से जो लॉ मेकर्स हैं वो आपके आए हैं और उन्होंने दोस्तों एक अलायंस बनाया है टू काउंटर चाइना। इस अलायंस का नाम है द इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। इस अलायंस का मेन मकसद होगा कि जो भी आपके इश्यूज़ हैं, जो भी आपके एक चाइना के खिलाफ उनकी प्लानिंग है, दैट प्लानिंग विल बी डन बाय द आईपीएसी। वो प्लानिंग आपका जो है वो आईपीएसी करेगा। आरआईएल का फुल फॉर्म है काजल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ऑल राइट, सो मैं रिपीट फिर से कर दूँ, 8 कंट्रीज़ हैव कम टुगेदर फॉर द इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। और ये जो 8 मेंबर्स हैं इनके नाम है यूके, जापान, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन और यूएस। ये आपके वो 8 मेंबर्स हैं जिन्होंने मिलकर बनाया है एक इंटर पार्लियामेंट्री आपका अलायंस ऑन चाइना। ऑलराइट, दैट अलायंस हैज़ बीन सेटअप बाय दिस पर्टिकुलर पार्ट। याद रहेगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेगमेंट गाइस। अब आते हैं हमारे आज के दोस्तों न्यूज़ मेकर्स पे। लेट्स डिस्कस द न्यूज़ मेकर्स ऑफ टुडे। ऑल राइट, तो सबसे पहला जो यहाँ पर आपका न्यूज़ मेकर्स हैं उनका नाम दोस्तों दिया हुआ है, इट इज़ दी अंबर नया रिवर। मेरे को कौन बताएगा ये न्यूज़ में क्यों है? वाई इज़ द अंबर नया रिवर इन न्यूज़ गाइस? फटाफट कमेंट कीजिएगा, क्या रीज़न है इनके न्यूज़ में होने का। गाइस ये जो रिवर है दैट इज़ नियर रशिया। ऑल राइट, और ये रिवर आपकी न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज रशिया ने एक स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर की है बिकॉज ऑफ दिस रिवर। ऐसा क्या हुआ है? बेसिकली दिस रिवर फ्लोज इनटू द आर्कटिक ओशन। ये रिवर आपकी जो है वो आर्कटिक ओशन में फ्लो करती है एंड यहाँ पर आपका ऑयल स्पिल हुआ है। मतलब ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं, दिस इज़ दी ऑयल स्पिल दैट हैज़ हैपन्ड इन दिस पर्टिकुलर रीजन, जिससे कि जो वाटर है वो कंटामिनेट आपका हो रहा है। एंड ये हुआ है आपका कब? जून 5 को, मतलब द वर्स्ट डे, बिकॉज जून 5 को क्या होता है आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो उस दिन इस रिवर में आपका ऑयल स्पिल हुआ है, ऑयल मतलब ऑयल स्प्रेड हो गया है, जिस वजह से इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है रशिया ने। नेक्स्ट गाइस पीएम कुसुम की बात करते हैं। पीएम कुसुम का फुल फॉर्म है आपका प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और द रीज़न वाई आपका न्यूज़ में है बिकॉज दिस योजना गाइस, इसमें जो सोलर कैपेसिटी है, जो इससे सोलर एनर्जी का टारगेट है, जो सोलर टारगेट इससे जो है दैट हैज़ बेसिकली बीन सेट टू 25,750 मेगावाट टिल 2022। 2022 तक जो इसमें टारगेट होगा दैट इज़ 25,750 मेगावाट। बेसिकली होता ये है कि इसमें जो बैरन लैंड्स होते हैं, जो होती है बंजर ज़मीन, है ना, दोज बैरन लैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू सोलर प्लांट्स, और उन सोलर प्लांट से वो सोलर एनर्जी निकालते हैं। और जो सोलर एनर्जी का टारगेट है दैट इज़ 25,750 मेगावाट। This particular PM Kusum is under the Ministry of New and Renewable Energy, जिसके मिनिस्टर हैं आपके श्री R.K. सिंह, who is a Lok Sabha सांसद from आरा। याद रहेगा सबको। सो PM कुसुम का जो नया टारगेट है that is at 25,750 मेगावाट, ये इसका दोस्तों यहाँ पर टारगेट जो है वो दिया गया है। याद रहेगा सबको, क्या बात है। अब ज़रा आगे आते हैं अगले पे। अब आते हैं हमारे आज के चलते चलते हेडलाइंस पर, जो कि आपके सामने दोस्तों दिया हुआ है। चलते हेडलाइंस में वेद मारवा साहब, जो कि दिल्ली पुलिस के चीफ थे, उनका डेथ हुआ है। वसुधा गुप्ता, शी इज़ द MHA स्पोक्स पर्सन। MHA मतलब शी इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर स्पोक्स पर्सन। शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द PIB's फैक्ट चेक यूनिट। ये यूनिट चेक करेगा फेक न्यूज़ को। ऑल राइट, नो मोर न्यू स्कीम्स टू बी अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन दिस ईयर। इस साल कोई भी नई योजना को आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लॉन्च नहीं करेगा। The Competition Commission of India has given approval to Peugeot and Fiat Chrysler to merge. Tamil Nadu Chief Secretary K. Shanmugam has been given 3-month extension. और HDFC Bank ने लॉन्च किया है कैंपेन दैट इज़ कॉल्ड एज दी समर ट्रीट। समर ट्रीट कैंपेन को दोस्तों HDFC Bank ने हाल ही में लॉन्च किया है। गाइज आज 10 AM पे दिस इज़ कमिंग, प्लीज़ बी रेगुलर। ये आज 10 AM पे आएगा, और कल आपका आएगा 10 AM पर दी 200 बेस्ट करंट अफेयर्स MCQ। ये दोनों ही आपके ग्रेड अप बैंकिंग चैनल पे आएंगे। आई वॉन्ट एवरीवन टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रेड अप बैंकिंग यूट्यूब चैनल। ये आज आएगा और 10 AM पे कल आपका आएगा द 200 बेस्ट करंट अफेयर्स MCQ। ऑल राइट, अब आते हैं हमारे आज के एग्जाम बेस्ड MCQ पे। आई वॉन्ट एवरी वन टू प्लीज़ कमेंट येस सर, येस सर, येस सर, येस सर, येस सर, बिकॉज आज मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे UPSC प्रीलिम्स के बारे में। All right. The first question. With reference to the AIIB, consider the following statements. AIIB has more than 80 member nations. India is the largest shareholder in AIIB. AIIB does not have any members from outside Asia. सवाल बहुत सिंपल सा है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका AIIB के बारे में सही है? The answer is it is option A, only one. इंडिया नहीं है, आपका चाइना लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, और AIIB के अंदर आपके एशिया के बाहर के भी मेंबर्स हैं। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स। इनमें से वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो उनको दिया जाता है जो इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं? और गाइस ये सवाल आपका 2 बार SSC में आ चुका है, और कम से कम 10-15 बार आपका बैंक में आ चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बैंक SSC के लिए भी। इसका आंसर है आपका पार्टिसिपेटरी नोट। इसको हम P नोट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं इसको? हम P नोट के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर बाय द गवर्नमेंट और RBI टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। अगर इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो रही है तो इनमें से किसको आरबीआई नहीं करेगा? इसका आंसर है ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू एक्सटर्नल, मतलब बोरोइंग को वो इंक्रीज करेगा, इसको वो दोस्तों आपका नहीं करेगा। इट विल नॉट इंक्रीज द इट विल नॉट ईजी द कंडीशंस ऑफ बोरोइंग, वो बोरोइंग कंडीशंस को ईज आउट नहीं करेगा। अब आते दोस्तों हमारे आज के नो योर स्टेट को, और आज का जो हमारा स्टेट दोस्तों है दैट इज़ मेरा फेवरेट स्टेट, दैट इज़ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल दीदी का स्टेट है। स्क्रीन पे आइए देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने वेस्ट बंगाल कहाँ है, वेस्ट बंगाल ये है आपके सामने। ऑन वन साइड वी हैव छोटा सा सिक्किम, अदर साइड वी हैव बांग्लादेश, ऑन वन साइड वी हैव झारखंड, और ये आपका बिहार से भी आपका सटा हुआ है। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, येस सर, येस सर, येस सर। कितने लोग हो जो आप लोग बिहार से हो, आप लोग वेस्ट बंगाल से हो? फटाफट कमेंट कीजिएगा। ओके सो गाइस, वेस्ट बंगाल्स कैपिटल इज़ कोलकाता। The number of districts here guys are 23. The governor is Shri Jagdeep Dhankar. The CM is Didiji. The art forms here are Chhau, Tusu, Jhumar. GI tags यहाँ पर है रसोगुल्ला, दार्जिलिंग टी, नक्शी कांठा, हिमसागर, फाजली मैंगो। स्टेट सिम्बल्स में आपका फिशिंग कैट एनिमल है, किंग फिशर बर्ड है, चाटियान एंड शेफाली। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर सुंदरबंस है जो करीब 28% आपका हुआ है खराब। नेशनल पार्क्स में वी हैव गोरुमारा, बक्सा, नेवरा वैली एंड सिंगालीला। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में वी हैव बल्लभपुर, बेटुआधारी एंड बक्सा। टाइगर रिजर्व्स में वी हैव सुंदरबंस, बक्सा। एल्म रिजर्व्स में वी हैव मयूर झरना, ईस्टर्न दुआर्स। रामसर साइट्स में वी हैव ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड्स, और बासु रिजर्व्स में आपका सुंदरबंस यहाँ पर आता है। प्लीज़ गो थ्रू इट गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैंने आपको दिया, एंड इसी के साथ जो हमारा स्टेट का डिस्कशन था वो कम्प्लीट होता है। सो वी हैव कवर्ड 29 स्टेट्स गाइज, और अब हम बचा है सिर्फ हमारा यूनियन टेरिटरी। सो वी हैव कवर्ड ऑल दी 29 स्टेट्स गाइस। ऑलराइट, अगर आप रेगुलर फॉलोअर थे तो आपको पूरा मिल गया होगा डेटा। ऑलराइट ओके, अब आते हैं हमारे आपके क्वेश्चन पर। तो अब मेरा आपसे आज का